200 ग्राम भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। 203 टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल में जहां फ्लॉप रहे गेंदबाज भी, तो वहीं जड्डू ने अपनी गेंदबाजी से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना डाले। कैसे 200 जडेजा ने बैक टू बैक विकेट लिए जाते जाते ऑस्ट्रेलियाई टीम के, और एक खास रिकॉर्ड भी बनाया। आपको दोस्तों उनकी गेंदबाजी का ये वीडियो और रिकॉर्ड दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या दोनों में सबसे बेहतर कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम से शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी शुरुआत को अगर आप शुरुआत से सुनेंगे तो दोस्तों आपको भी बहुत बुरा लगेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी, लेकिन दोस्तों ये बल्लेबाजी ही कैसी जो आज भारत के काम ना पाई। खुद रोहित शर्मा तो नाकाम रहे ही, उनके साथ साथ शुभमन गिल और बाकी भारतीय खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। आपकी जानकारी के लिए बताएं दोस्तों कि रोहित और शुभमन गिल का टोटल मिलाकर भी 50 रन तक नहीं था। इसके बाद विराट कोहली ने 22 रन की पारी जरूर खेली और जाते जाते उमेश यादव भी कुछ गगनचुंबी सिक्सेस लगा गए थे, लेकिन ऐसे 109 रन का क्या फायदा जो 10 विकेट गंवाकर मिले। जाहिर सी बात है, ऑस्ट्रेलिया की टीम के सामने ये 109 रन तो दोस्तों कुछ भी नहीं थे, और ऊपर से हमारे विकेट गिरने का कॉन्फिडेंस भी उन्हें मिल गया था। खैर दोस्तों, आगे चलकर मुकाबले की बात करें तो जब गेंदबाजी में अपना हाथ आजमाने की बात आई तो भारतीय खिलाड़ियों ने खूब जमकर रन भी लुटाए, लेकिन इस बीच एक ऐसा गेंदबाज था जो दिन का सूरज ढलते ढलते भारत को 2 बड़े विकेट दिला गया। आपने सही पहचाना, हम बात रविंद्र जडेजा की ही तो कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा ने अपनी उम्दा गेंदबाजी के दम पर आज कंगारुओं को फिर से घुटनों पर ला दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से दोस्तों ओपनिंग कर रहे ट्रेविस हेड आते ही जडेजा को बैक टू बैक बाउंड्रीज लगा रहे थे। दूसरे ओवर में उन्होंने कुछ ऐसा ही किया, तीसरी गेंद पर उन्होंने जडेजा को चौका लगाया, लेकिन एक गलती कर दी जडेजा को अंडर एस्टिमेट करने की। दोस्तों जडेजा ने भी उनके कदमों को पढ़कर अगली गेंद को एक फ्लैट गेंद में तब्दील कर दिया, वो भी धीमी गति से। दोस्तों गेंद जाकर सीधा ट्रेविस हेड के पैड पर लगी। भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त अपील तो करी, लेकिन फिर भी अंपायर ने उंगली ना उठाई, जिसके चलते रोहित शर्मा ने फिर जड्डू के कहने पर इस डीआरएस रिव्यू को फाइनल किया, और जैसे ही 200 मामला ऊपर गया तो वैसे ही 200 मैदानी अंपायर को अपने फैसले बदलने पड़ गए, क्योंकि दोस्तों थर्ड अंपायर की बड़ी स्क्रीन में तो साफ दिख रहा था कि मिडिल स्टंप ही उड़ रहा है, आप आउट क्यों नहीं दे रहे। जिसके बाद दोस्तों जडेजा ने पहला विकेट हासिल किया ट्रेविस हेड के रूप में। इसके बाद दोस्तों फिर से ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को तंग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर से पारी के 35वें ओवर तक हमें विकेट्स का इंतजार जरूर करना पड़ा। इस बीच ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से दोनों खिलाड़ी सेट हो गए थे, उस्मान ख्वाजा और मार्नस लबुशेन। दोस्तों दोनों खिलाड़ी लगभग अपनी अपनी इनिंग में 90 से ज्यादा गेंदे फेस कर मैदान पर सेट थे, और जाते जाते इनमें से एक का विकेट ऑस्ट्रेलिया का मनोबल तोड़ने के लिए काफी था, जो काम फिर से करके दिखाया रविंद्र जडेजा ने। 200 पारी के 35वें ओवर की तीसरी गेंद पर मार्नस लबुशेन को अपना शिकार बनाने के लिए जडेजा ने एक धीमी गति की गेंद का इस्तेमाल किया, जिसे खेलने के लिए जैसे ही मार्नस लबुशेन अपने कदम बाहर निकालते हैं तो गेंद विकेट में जा लगती है, जिसके बाद ये खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो जाता है। लेकिन 230 रन पर इनका विकेट मिलने के बाद भी किसी के मन में संतुष्टि नहीं थी, दिन का खेल तो अभी भी बाकी था, और एक और खिलाड़ी मैदान पर पूरी तरीके से सेट था, उस्मान ख्वाजा। अपना 50 पूरा कर चुके 100 से ज्यादा गेंदे खेलकर ये खिलाड़ी भारत के लिए सरदर्द बन चुका था, लेकिन इस सरदर्द को खत्म किया जाते जाते रविंद्र जडेजा ने। 147 गेंदों में 4 चौके जड़कर पूरे 60 रन बनाकर इस खिलाड़ी ने वाकई में एक अच्छी पारी तो खेली थी ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से। 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर कोई भी बाउंड्री पिछले कुछ गेंदों में ना मिलने की वजह से दोस्तों उस्मान ख्वाजा थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। उन्होंने स्लॉग स्वीप शॉट खेलना चाहा, लेकिन पास खड़े शुभमन गिल को वो कैच दे बैठे, जिसके चलते उनका विकेट तो भारत को मिला ही, और ये इस दिन का सबसे बड़ा विकेट भी साबित हो गया। 147 गेंदों में 60 रन बना चुके उस्मान ख्वाजा का विकेट फिर भारत को मिला, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो केवल जड्डू की वजह से। 200 जडेजा ने इन्हीं 3 विकेट के बाद एक खास रिकॉर्ड भी बना दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि होलकर स्टेडियम में आज तक भारत की तरफ से ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं रहा जिसने एक दिन के अंदर एक ही इनिंग में 3 बड़े विकेट स्पिन गेंदबाजी से लिए हो। ये कारनामा केवल जड्डू ने किया है, और आपको यह भी बता दें कि अपने करियर में भी जडेजा ने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया। 200 इन्हीं 3 विकेट के साथ जडेजा के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेस्ट मैचेस में ही 260 से ज्यादा विकेट हो गए हैं। वो 265 के रिकॉर्ड के बेहद ही करीब हैं, जहां पर मात्र 2 ऑलराउंडर ही हैं भारत की तरफ से। 200 जडेजा की इतनी शानदार गेंदबाजी और उनके रिकॉर्ड्स को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।